हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभाष चंद्र एकेडमी ई लर्निंग क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर 20, लोकेटिंग अ प्लेस। ठीक है, आज हम चैप्टर 20 पढ़ेंगे, लोकेटिंग अ प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। माई नेम इज़ राहुल, मेरा नाम राहुल है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इन द मॉर्निंग आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं सुबह में स्कूल को जाता हूँ। टू रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुँचता हूँ। आई गो स्ट्रेट एंड देन टर्न राइट, ठीक है, जब मैं स्कूल पहुँचता हूँ तो मैं सीधा स्ट्रेट जाता हूँ, फिर उसके बाद राइट टर्न करता हूँ। इन द इवनिंग आई गो टू द मार्केट, मैं शाम में मार्केट में जाता हूँ। टू रीच द मार्केट, जब मैं मार्केट पहुँचता हूँ। आई गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट, मैं सीधा जाता हूँ और फिर लेफ्ट टर्न लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हो पिक्चर में, ये राहुल है, ये जब स्कूल जाता है तो ये सीधा टर्न राइट लेता है। ठीक है, और जब ये मार्केट जाता है तो ये सीधा जाता है, फिर उसके बाद टर्न लेफ्ट करता है। ठीक है, directions, we use direction to find our way or to guide someone to find his on her way, ठीक है, direction का मतलब होता है दिशा निर्देश। ठीक है, हम direction का use किसी भी चीज़ों को, मतलब किसी भी रास्ते को ढूंढने के लिए, ठीक है, या किसी को guide करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी को guide करते हैं, जैसे कि कोई आपका relative है, किसी को जाना है unknown जगह, तो वो घर नहीं जानता, तो आप किसी आपको हेल्प करते हो कि ये रास्ते जाइए, ये रास्ते जाइए, ईस्ट वेस्ट जाइए, नॉर्थ जाइए, तो आप लोग उसको बताते हो। तो डायरेक्शन में क्या है कि हम किसी भी जगह को फाइंड कर सकते हैं या किसी को गाइड कर सकते हैं और उनकी जगह में जगह को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, देयर आर फोर इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, हमारे फोर इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। There is an easy way to find these direction with the help of the sun. ठीक है, ये हमारे वे को बहुत ईजी बना देते हैं और ये डायरेक्शन जो है ये हेल्प की मदद से हमें पता चल जाते हैं। ये सन की हेल्प की वजह से ये हमें डायरेक्शन पता चल जाते हैं। ठीक है, वी नो डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम सभी जानते हैं जो सन उगता है वो ईस्ट से, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और डूबता है वेस्ट से। वेक अप इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन। ठीक है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप वो सन के सामने स्टैंड हो जाओ। ठीक है, आपका फेस जो है वो सन के सामने हो, जब आपका सन राइजिंग हो रहा हो तो उसके सामने आप स्टैंड हो जाओ। देखो ये पिक्चर में एक गर्ल है, ये सन के एकदम सामने ये फेस खड़ा करके ये स्टैंड हो गई है। इसको पता है, सबको पता है कि जो सन राइजेज इन द ईस्ट, जो हमारा सूरज उगता है वो ईस्ट से। ठीक है, इसके जस्ट बैक वो है वेस्ट, इसका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, इसने अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेट कर लिया है, इसका लेफ्ट आर्म के है ये नॉर्थ और राइट आर्म आपका पड़ेगा साउथ। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्शन को पता कर सकते हो। The direction in which you see the sun is the east. आपको पता है कि जो गर्ल है वो सन के एकदम सामने स्टैंड हो गई, उसको पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सबको पता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है ईस्ट से उगता है। ठीक है, उसके सामने वो खड़ी हो गई, उसको पता है कि वो ईस्ट है, एंड उसके जस्ट बैक क्या है उसका वेस्ट हो गया है, बिहाइंड यू इज़ द वेस्ट, उसके बिहाइंड, उसके पीछे क्या है वेस्ट। Now stretch your arms sideways. अपने arms को stretch करिए sideways. ठीक है, sideways मतलब कि stretch करिए अपने arms को sideways. On your left is the north. ठीक है, जो आपका left है वो north है. On your right is the south. और वो आपका जो right है वो south है. We use direction to locate places in our neighborhood. ठीक है, हम direction का use कोई भी places को, मतलब कोई भी प्लेस को पता लगाने के लिए अपने नेबरहुड में यूज़ करते हैं। आप अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस, आस पड़ोस में ये डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेबरहुड, आप
अगर कोई किसी को डायरेक्शन पता नहीं है तो आप सन के सामने अपना फेस टर्न कीजिए, ठीक है? आपके सन के सामने जो आपका फेस है वो ईस्ट है, आपके पीछे वेस्ट है, फिर आपके लेफ्ट जो है आर्म है वो क्या है, नॉर्थ है, और आपका राइट जो है वो साउथ है। हम लोग डायरेक्शन का यूज़ किसी भी प्लेस को पता करने के लिए कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। टिक द करेक्ट आंसर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस इन आवर कॉलोनी विद द हेल्प ऑफ अ कॉलोनी मैप। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, वॉट कैन यू लर्न फ्रॉम इट? रेगुलैरिटी, ठीक है? टिक ऑन रेगुलैरिटी। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अ मैप इज ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। वी यूज डायरेक्शन टू लोकेट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।